दरम्यान कार्यकारिणीचीही बैठक अगदी थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे, पण त्यापूर्वीच काँग्रेसमध्ये तरुण तुर्क विरुद्ध म्हातारे अर्क असा वाद रंगलाय. गांधी घराणं की गांधी घराण्याशिवाय अध्यक्ष असावा यावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचं काय म्हणणं आहे या संदर्भात आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे यांनी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि राहुल प्रियंका गांधी सेनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा यांच्याशी खास बातचीत केली आहे. काँग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होते, या बैठकीमध्ये नेमकं नेतृत्व कोणाकडे असणार? हमारे साथ में यहां पे काँग्रेस के कार्यकर्ता आहे जो की लॉयल है पहिले से ही काँग्रेस घराणे से. मुझे एक बात बताइए की आज जो बैठक होने वाली है उसमें चर्चाएं बहुत चल रही है, मतलब की यूथ और जो सीनियर लीडर है उनमें अनबन चल रही है ऐसा कहा जा रहा है, और जो 23 लोगों ने जो लेटर लिखा है उससे तो ये साफ दिखाई देता है. देखिए, मैं समझता हूँ जैसे मीटिंग होगी सभी चर्चाओं पर विराम लग जाएगा. हमारे सीनियर नेता सभी कार्यकर्ता से भी चाहते हैं कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी और आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत हुई है, और हर आदमी चाहते हैं कि अभी सोनिया गांधी पार्टी को संभालें. अगर सोनिया गांधी नहीं मानती है, हमारे मानने पर नहीं मानती है, तो हमारे नेता राहुल गांधी को पार्टी को संभालना चाहिए, अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में आपने देखा कितने स्टेट हम जीते और अच्छा कार्यकर्ताओं को जोड़ा है और लोग विश्वास करते हैं. मैं समझता हूँ कि आज जो मीटिंग होगी, जो CWC मीटिंग होगी, उसमें कोई ना कोई विराम लग जाएगा और ये मुद्दा खत्म हो जाएगा. राहुल गांधी के ऊपर ये सवाल क्यों है कि राहुल गांधी पूरा वक्त जो है वो कांग्रेस के लिए नहीं देते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है. राहुल गांधी, मैं समझता हूँ, पूरा वक्त कांग्रेस को देते हैं. बताइए कब, जब जब कांग्रेस को उनकी जरूरत रही हमेशा मौजूद रहे हैं, चुनाव में हर जगह, जब भी जिनसे मिलना चाहे मिलते हैं. ये गलत है, एक धारणा, एक भावना ऐसी बना देगी हमारे नेता के प्रति जिससे गुमराह करा जा रहा है. हमारे नेता इस तरह का नहीं है, वो बिल्कुल सच्चा और ईमानदार आदमी है, मुद्दे की बात करता है, सरकार को घेरता है, कामयाब भी रहा है. मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं, हमें गांधी फैमिली से चाहिए, क्योंकि त्याग, तपस्या और बलिदान, ये भावना जिस आदमी के अंदर हो वो देश को आगे ले जा सकता है, और किसी में मैं समझता हूँ नहीं है. कोई भी आएगा तो मुझे याद है कि हमें सीताराम केसरी के साथ क्या करना पड़ा था, क्योंकि वो कब्जा कर लेगा, पार्टी नहीं चलाएगा, और कहीं ना कहीं गांधी परिवार को दबाने की कोशिश करेगा, और जो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे. इनका इतिहास रहा है, शहादत रही है, देश को कहाँ लाए हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है 21वीं सदी में लेके आए थे राजीव गांधी, उनका सपना था और दिल थे, मेहनत से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं. और आज तो पूरा देश जानता कि देश की हालत कैसी है, चाहे अर्थव्यवस्था, महंगाई, या किसी भी चीज में फेल हो गया है. कैमरामैन राजेश, रामराज शिंदे, जी मीडिया, दिल्ली.